नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार मीणा, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। अब आपका सेकंड ईयर में सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोग फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गए हो, आप सेकंड ईयर में आ गए हो। कोविड-19 के चलते हुए आपको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया है, और आपको प्रमोट किया गया है तो आपने लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़े थे उनमें एक सब्जेक्ट था तुम्हारे कंप्यूटर का सब्जेक्ट चलता था, उसी कंप्यूटर के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए अब तुम्हारे को सेकंड ईयर में पढ़ना है कंप्यूटर। अब तुम्हारी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस तुमने डाउनलोड कर लिया होगा सेकंड ईयर का, और सिलेबस को तुम पढ़ने लग गए होंगे। एक बार बढ़िया ढंग से सिलेबस को पढ़ लो, उसको पता कर लो कि क्या क्या है, किस किस तरह से अपनी इस सब्जेक्ट की स्कीम है, स्कीम को डाउनलोड कर लो, और उसके अंदर जो 208 सब्जेक्ट है वो मैं तुम्हारे को पढ़ाऊँगा। ये देख लो कि 208 सब्जेक्ट में क्या है, 208 सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो मैं तुम्हारे को बता देता हूँ कि EE-208 है, वो माइक्रो प्रोसेसर एंड सी है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर एंड सी है, ये दो सब्जेक्टों का मिलकर बना हुआ है। एक तो इसके अंदर है माइक्रो प्रोसेसर, और एक है इसका सी प्रोग्रामिंग। तो ये दो, इसको दो पार्टों के अंदर अपन पढ़ेंगे। ये सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सेकंड पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। इसकी स्कीम आपको पता रहनी चाहिए कि ये कितने नंबर का सब्जेक्ट है, यहाँ से कितने नंबर जाएंगे, वहाँ पर कितने नंबर आएंगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आने वाले समय पे अगर यही सिचुएशन रही तो पता चला आपको इंटरनल मार्क्स के बेस पे ही प्रमोट करे, तो उसके लिए आपको क्लास में रेगुलर प्रेजेंट, प्लस आपको प्रैक्टिकल, प्लस डिसिप्लिन में, ये सारी चीज़ों के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसके स्कीम के बारे में मैं तुम्हारे को बताता हूँ। तो स्कीम ये होती है कि दो तुम्हारे, एक तो जाएंगे यहाँ से इंटरनल मार्क्स, जो इंटरनल मार्क्स हैं वो तुम्हारे 30 नंबर के होते हैं, और एक होता है सेशनल मार्क्स, वो सेशनल मार्क्स होते हैं तुम्हारे 50 नंबर के। तो 30 प्लस 50 दोनों करके 80। 30 जो मार्क्स होते हैं इसमें तीन मिड टर्म हम लेते हैं, फर्स्ट मिड टर्म, सेकंड मिड टर्म और थर्ड मिड टर्म, इन दोनों का बेस्ट हम तुम्हारे भेजते हैं। उसके बाद में जो सेशनल मार्क्स होता है वो टोटल आपका फाइल, आपका लैब का वर्क, आपकी अटेंडेंस, आपका डिसिप्लिन, और क्लास में कितने अटेंड रहे, क्लास में कितना आपने एफिशिएंट काम किया, मिड टर्म में कितने मार्क्स आए, उस बेस पे हम कैलकुलेट करके तुम्हारे को ये मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस सब्जेक्ट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी मार्किंग सिस्टम क्या है, इसकी स्कीम क्या है। तो ये चीज़ों का तुम्हारे को बहुत ध्यान रखना है। अब जब तुम फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर में पढ़ रहे थे तो तुम्हारे को पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, तुम्हारे को पता था कि क्या नाम से कंप्यूटर क्या होता है, कि एक कंप्यूटर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती है जिसको अपन इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद में वो उस इनपुट पर प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के जस्ट बाद में उससे कुछ ना कुछ आउटपुट आता है। जैसे मैं तुम्हारे को कहूँ कि तुम्हारे को थ्री और फोर को प्लस करना है, ऐड करना है, तो आप अगर कैलकुलेटर से उसको ऐड करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको उसमें जो ऐड करोगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। पहले तो आपको कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे 3 हो गया, दो नंबर मान लो, और आपको 4 को दोनों को ऐड करना है, तो आप पहले 3 फुट करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर 4 करोगे, उसके बाद में आपका आंसर आएगा 7। तो इसी तरह से जिस तरह से एक कैलकुलेटर काम करता है उसी तरह से अपना कंप्यूटर काम करता है, और जो कंप्यूटर काम करता है तो इसी तरह से अपन क्या करेंगे कि अपन को थोड़ा ही पता है कि उसकी जो कैलकुलेटर है उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग क्या होती है। अपन तो 3 और 4 को ऐड कर दिया और 7 आ गया, तो लेकिन हो कैसे रहा है, तो ये कैसे काम कर रहा है अपन को इसका इंटरनल कोई पता नहीं है। तो ये जो काम कर रहा है, तो कैलकुलेटर जो होता है उसके अंदर कुछ प्रोग्राम सेट होते हैं, उन प्रोग्रामों की मदद से ये अपन को क्या नाम से 3 और 4 को ऐड करके रिजल्ट दे रहा है। तो इसी तरह से अपन जब पढ़ेंगे, जब क्या नाम से पढ़ेंगे, तो इसको दो पार्टों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। जो सी प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले अपन को कुछ चीज़ें पता रहनी चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है।
सी प्रोग्रामिंग को क्यों यूज लेते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, कीवर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है। तो मैं तुम्हारे को सबसे पहले बता दूं कि जो सी लैंग्वेज है वो एक डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले सी प्रोग्राम को बनाया था। सी प्रोग्राम एक बेल लैब के अंदर सबसे पहले सी प्रोग्राम का डेवलप किया गया था। सी प्रोग्राम का मुख्य जो मेन मोटिव था बनाने का वो ये था कि कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए गए थे जिससे कि हमारे कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो क्या नाम से छोटे छोटे प्रोग्राम मिलके, बड़े प्रोग्राम मिलके, जिससे अपनी कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। जैसे अपने आज आप देखते हो कि विंडो जो कंप्यूटर के अंदर देखते हो तो एक विंडो बनी हुई है, उस विंडो के अंदर अपन अलग अलग ऐप्स खोलते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन यूज लेते हैं, तो वो सब सी प्रोग्रामिंग के अंदर बने हुए हैं। जैसे सिक्योरिटी पर्पज़ की बात करते हैं, आपको पासवर्ड चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, आपको कोई मीडिया प्लेयर चलाना है, कोई कैलकुलेटर चलाना है, वो सब प्रोग्रामिंग कोई ना कोई लैंग्वेज में बने हुए हैं। और उन सभी लैंग्वेजों की जो मदर ऑफ लैंग्वेज है, जननी जिसको कहते हैं, वो है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज एक सिंपल भाषा होती है। जैसे तुम्हारे को कोई पूछे कि सी भाषा के बारे में आप बताओ, तो सी लैंग्वेज बहुत सिंपल भाषा होती है, आसानी से कंपाइल हो जाती है और मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी मशीन में आप इसको रन करवा सकते हो। अपने प्रोग्राम को एक पेन ड्राइव में ले जाके दूसरे पेन ड्राइव में आप रन करवा सकते हो, तो ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। उसके अलावा ये केस सेंसिटिव होती है। आपने सी के अंदर कोई भी वर्ड अगर मान लो कैपिटल में लिखा तो फिर वो कैपिटल में आपको लिखना पड़ेगा, तो ये केस सेंसिटिव होती है। उसके बाद में ये जो सी प्रोग्रामिंग होती है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल HLL इसको बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये प्रोग्राम बने रहते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश में इनको प्रोग्राम अपन लिखते हैं जिसकी कुछ कोड होते हैं, जिसको हम कुछ कीवर्ड यूज लेते हैं जो सी भाषा में ऑलरेडी ही प्रोग्राम के थ्रू कुछ लाइब्रेरी के अंदर कुछ प्रोग्राम्स बने हैं जिसको अपन यूज लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, और वो मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी भाषा के अंदर। आपको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी को समझता है। अब जब बाइनरी को समझता है, कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि क्या नाम से हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो मशीन लैंग्वेज को समझता है। जैसे मैं तुम्हारे को कहूँ कि तुम्हारे को तो आती हिंदी और मेरे को आती इंग्लिश, लेकिन मेरे को हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती। अब आपको मेरे को कुछ, आप कुछ मेरे को कुछ बात करना चाहते हो तो मैं क्या करूँ, आप कैसे मेरे को समझाओगे या मैं आपको कैसे कोई चीज़ बताऊँगा, क्योंकि अपन तो उसके लिए अपन बीच में कोई तीसरा आदमी होगा, ट्रांसलेटर होगा, उसको दोनों भाषाएँ आती होगी, हिंदी भी आती होगी और इंग्लिश भी आती होगी। तो वो क्या करेगा कि उस भाषा को वहाँ से सुनेगा, आपने जैसे कोई भी चीज़ बोली और वो चीज़ वो ट्रांसलेटर जो होगा उसको सुनेगा, सुन के वो मेरे को समझाएगा, और मेरे को उसके अगर कुछ रिप्लाई देना होगा तो वो रिप्लाई वापस मैं उसको दे दूँगा। ये ट्रांसलेटर का जो काम कर रहा है, ये इसको इंटरमीडिएटर भी अपन बोलते हैं, अपनी भाषा में बोले तो, हाड़ौती की भाषा में बोले तो दलाल जिसको अपन कहते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में जो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग जहाँ पर आता है सी प्रोग्रामिंग, तो यहाँ सबसे पहले अपना सबसे लैंग्वेज आती है। बार बार अपन हर क्लास के अंदर प्रोग्राम का नाम कम से कम 10 बार ले लेंगे, तो सबसे पहले ये देखना है कि प्रोग्राम होता क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, सिम्बल्स टोकन्स, सिम्बल का समूह, टोकन्स का समूह, कीवर्ड का समूह एक प्रोग्राम कहलाता है। छोटे छोटे कीवर्ड सिंबल्स मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं, और छोटे जैसे कीवर्ड छोटे छोटे डेटा वन हो गया, डेटा टू हो गया, डेटा थ्री हो गया, ये सारा मिलके क्या कहलाएगा, एक प्रोग्राम अपना कहलाएगा। इस प्रोग्राम इसको हम कहते हैं प्रोग्राम। जब अपन ने ये डेटा वन हो गया, डेटा टू हो गया, डेटा थ्री हो गया, ये सारा मिलके एक प्रोग्राम कहला रहा है। इसी तरह बहुत सारे और प्रोग्राम और बन जाएंगे, ये सारे प्रोग्राम मिलके कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। ये कहलाएंगे सॉफ्टवेयर, इसको कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर
ये बहुत सारे कलेक्शंस और प्रोग्राम का जो समूह होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। जब छोटे छोटे प्रोग्राम मिलके बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है, उसको अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मैं तुम्हारे को कहूँ कि कॉलेज के अंदर हर स्टूडेंट को मेरे को डेटा चाहिए, तो हर स्टूडेंट का डाटा चाहिए, तो आप अपना डेटा कलेक्ट करोगे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके आईडी और आपका एड्रेस, तो ये आपने डेटा तैयार कर लिया। एक स्टूडेंट का डेटा हो गया S1, ऐसे करके 40 स्टूडेंट का हो गया एक स्टूडेंट है उसका डेटा हो गया S1। S1 में उसका नेम हो गया, उसकी DOB हो गई, उसकी क्या नाम से एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो S1। ऐसे ही करके S2, ऐसे करके S, मान लो 40 बच्चे हैं तो 40 का आपका डेटा हो जाएगा। ये एक क्लास का डेटा हो गया, इसको मान लिया मैंने प्रोग्राम मान लिया, ये प्रोग्राम दूसरी क्लास हो गया ऐसे ही, उसका प्रोग्राम 2। ऐसे करके सारी क्लासों को मिला के अपन पूरा एक GPC 12 का पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा कि GPC 12 के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम होते हैं, कीवर्ड होते हैं, जो सी लैंग्वेज के अंदर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं वो कीवर्ड जो यूज लेते हैं, वो कीवर्ड हम यहाँ पर तुम्हारे को समझाएंगे कि कीवर्ड क्या होता है। वो छोटी छोटी चीज़ें, उसके अंदर कुछ लाइब्रेरी बनी रहती है, वो लाइब्रेरी के अंदर कुछ सी प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स होते हैं, जो वो कीवर्ड जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, उसके बाद में प्री प्रोसेसर हो गया, तो ये चीज़ें तुम्हारे को बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद में कि क्या नाम से, जैसे प्रोग्राम तुम्हारा हो गया, प्रोग्राम होने के बाद में तुम कहोगे कि सर प्रोग्राम हो गया, अब प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस होगा तुम्हारा क्या नाम से प्रोग्राम को चलाना, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है वो होता है प्रोसेस, प्रोसेस प्रोग्राम को चलाना। रनिंग मोड जो होता है वो प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी होती है, अपने आप में प्रोग्राम चलता नहीं है, इसको चलाना पड़ता है। जैसे ही प्रोग्राम रन हो जाता है तो वो प्रोसेस की श्रेणी में आ जाता है। एडवांटेज मैंने तुम्हारे को बताई है कि सी भाषा के एडवांटेज क्या होते हैं, तो सी भाषा की जो एडवांटेज होता है वो होता है, एक तो सिंपल होती है, ठीक है, दूसरा होती है पोर्टेबल होती है, तीसरी होती है मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप इस सी प्रोग्राम को जिसमें सी इंस्टॉल है, जिस कंप्यूटर के अंदर सी इंस्टॉल है, वहाँ कहीं भी इसको रन करवा सकते हो। उसके बाद में केस सेंसिटिव होती है, CSS, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आप इसमें अगर स्मॉल केस में ले रहे हो तो स्मॉल केस में, लोअर केस में लोगे तो लोअर केस में, और जैसे कैपिटल में लोगे तो कैपिटल। उसके बाद में ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो अपनी कुछ न कुछ भाषा के अंदर बनी रहती है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता नहीं है। जब हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता नहीं है तो जो HLL जो अपनी होती है, वो HLL जो होती है, उस HLL को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ML के अंदर। तो HLL होती है हाई लेवल लैंग्वेज, और ML होती है वो होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। इसको कंप्यूटर आसानी से समझता है, क्योंकि ये जो ये होता है पूरा डिजिटल फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, बाइनरी 0101 हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करो, बाइनरी जो क्या नाम से इसका बेस क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, ऑक्टल क्या है, उसके बाद में क्या नाम से किस तरह से कॉम्प्लीमेंट काम में आते हैं, तो ये अपने आप इंटरनल प्रोसेसिंग इसकी होती है। तो ये चीज़ अब हाई लेवल लैंग्वेज, और इसमें आपको अब इसके बीच में जो यहाँ पर इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, जो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है वो होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, यहाँ पर कंपाइलर क्या होगा, अब आ जाते हैं अपन कंपाइलर पे। ये कंपाइलर क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हारे को भी बताया कि हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते, तो उस भाषा को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर का यूज लेते हैं, वो ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच में जो ट्रांसलेटर होता है वो होता है कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर की प्रोसेसिंग होती है, कंपाइलर की स्टेप होती है, इसी तरह कंपाइलर, और इसको एक चीज़ और बोलते हैं इंटरप्रेटर।
कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही एक ही चीज़ है, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। दोनों की जो कार्य प्रणाली होती है वही एक होती है, बस थोड़ा सा स्टेप इनमें डिफरेंस होता है। जैसे कोई पुराने लैपटॉप थे और नए लैपटॉप आ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का फ़र्क होता है, इसी तरह से इंटरप्रेटर थोड़ा मॉडिफाई वर्जन है, ये थोड़ा सस्ता भी होता है। इसका डिफरेंस भी मैं तुम्हारे को अगली क्लास में बताऊँगा, ठीक है? आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारे को जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ सी लैंग्वेज में तुम्हारे को पढ़ाऊँगा, इसी को रेगुलर करेंगे, इसी पेज को। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैंने छोटा सा वर्ड जो लिख रखा है ये कंपाइलर, ये चीज़ अपन पढ़ेंगे, कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, वो मैं तुम्हारे को बताऊँगा। ये अब इसको तुम ध्यान से पढ़ना और